और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक द्वारा संपूर्ण जिले में आपराधिक गतिविधियों में शामिल और फरार लोगों पर कार्रवाई करने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीओपी सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुधीर बेगी की पुलिस टीम को सफलता मिली है, जिसके तहत 7 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी धर्मेंद्र उर्फ बबलू शर्मा निवासी मुड़बारी को मुखबिर की सूचना पर कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुधीर बोगी ने कहा कि आरोपी पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं और यह आरोपी सन 2017 से लगातार फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण छोटा जी, श्री एडिशनल एसपी महोदय श्रीमती आरती सिंह और एसडीओपी महोदय पबई श्री सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में स्थायी वारंट और अवैध सत्य अवैध गुंडों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश ये जारी किए गए थे। इसी तारतम्य में कल मुखबिर की सूचना पर आरोपी धर्मेंद्र उर्फ बबलू शर्मा निवासी मुड़वारी को धारा 25-27 आम सेक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। दिनांक 14/12/2017 को फरियादी सुरेश कबीर पंथी निवासी मुड़वारी ने रिपोर्ट किया था कि इसने तबा से उसके सर में मारपीट की है, जिस पर थाना पबई में अपराध क्रमांक 341/17 धारा 327 324 325 और SC/ST के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी वर्ष 2017 से फरार चल रहा था, जो माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ₹5,000 का इनाम घोषित किया गया था, जो आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है। हमारे थाने के अपराध क्रमांक 137/13 धारा 307 में आरोपी को 7 वर्ष का माननीय न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई थी। आरोपी दुर्दांत किस्म का है और आरोपी के विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं थाना पवई में, जो आरोपी को गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।